इस्लाम फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर जहन्नम को पेश किया गया, मैंने जहन्नम का मुलाहजा किया और अमर बिन आमिर अल खुजाई, बनू खुजा का शख्स अमर, उसको मैंने देखा अपनी अंतड़ियों को जहन्नम की आग में धकेल रहा है। उसकी अंतड़ियां निकली हुई है और जहन्नम की आग में घसीटती हुई उसकी अंतड़ियां जा रही हैं। ये पहला शख्स था जिसने साहिबा बनाए थे, जानवरों के कान चीर दिए और बुतों के नाम पे छोड़ दिए। यानी सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज अरब में करने वाला बनू खुजा का अमर बिन आमिर ये था। तो इसको मैंने हुजूर ने फरमाया देखा कि ये जहन्नम की आग में जुलस रहा है, क्योंकि अब जितने भी लोग बुत परस्ती करेंगे उन सब का गुनाह अमर बिन आमिर के नामा अमाल में दर्ज होगा, उनको भी गुनाह मिलेगा जो बुत परस्ती करते हैं। और चूंकि इजाद इसने किए थे, बुत इसने बनाए थे, तराशे इसने थे, फिर उसके बाद इसने जानवर बुतों के नाम पे छोड़े थे, चढ़ावे चढ़ाने का अंदाज इख्तियार किया था, लिहाजा इसको जो है वो गुनाह पहुंचता रहेगा। तो कहा मैंने इसको अजाब में मुबतला देखा। तो अगर खैर की बुनियाद रखोगे नेकियां मिलती रहेंगी, खाते कभी भी क्लोज नहीं होंगे, और अगर बुराई की बुनियाद रखोगे कयामत तक उस बुराई पर जो अमल करते रहेंगे उसका गुनाह भी खाते में पड़ता रहेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फंड मांगा तो एक शख्स ने उठ करके पेश किया, तो जब उसने पेश किया तो उसके देखा देखी दूसरे भी खड़े हो गए, दूसरे भी पेश करने लगे। बस का सारे खामोश होते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता, तो एक खड़ा हुआ तो उसको देख के दूसरे भी खड़े हो गए। तब हुजूर ने फरमाया था, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राज किया उसको उसका अजर मिलेगा। और फिर उसकी देखा देखी जिसने भी कोई अच्छा काम किया उसका अजर भी उसके अजर की कमी के बगैर इसके खाते में भी दाखिल होता रहे। इसलिए नेक, और मैं कई लोगों को जानता हूं कि जो जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में, पीर के इज्तिमा में लोगों को लेके आते रहे, किसी वजह से वो खुद नहीं आते लेकिन जिनको लेके आते रहे वो अब भी आ रहे हैं। तो वो अगरचे नहीं आ रहे और कुछ फौत भी हो गए हैं, तो जो जिनको लेकर आए उनके खाते का सवाब उनके नामा अमाल के खाते में भी दर्ज होता रहेगा। हमारे उस्ताद कब्रों में चले गए लेकिन आज हजारों तलबा को और लाखों अवाम को उनके दिए हुए जो सबक थे, जो उन्होंने हमें पढ़ाया, आज हम लोगों को बता रहे हैं, तो उनकी रूह को इसकी बरकत पहुंच रही है। फिर ये उनके उस्ताद, फिर उनके उस्ताद। तो इल्मे नाफे ये कभी भी खाते क्लोज नहीं होते। तो इसलिए अच्छाई की तरह डालो, नेकी की तरह डालो, अच्छाई की तरफ जाओ।